can't afford it. Champagne, Perrier. Finish friends on my face. Looking like I'm from the D. D's no Cartier's. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. This is your boy Paras and welcome back to my channel guys and another vlog guys. तो भाई अभी मैं हूँ बैंकॉक सिटी के अंदर, तो फुकेट से आगे सीधा बैंकॉक भाई. तो आज भाई वेडनेसडे है और यहाँ पर भाई मार्केट लगती है, वीकेंड मार्केट, और वहाँ पर लेके चलते हैं आपको मार्केट में. और मेरे पाजी आ रहे हैं मिलने, और मैं अभी हूँ जो कि एरिया है यहाँ पर प्रतु नाम, देख सकते हो भाई मेरे पीछे ये बायोक स्काई टावर है, ये ऊपर वाला अभी शायद ऐसे दिख नहीं रहा. तो यहाँ पर भाई कपड़ों की मार्केट बड़ी ज़बरदस्त लगती है और फूड मार्केट भी लगती है, और ये मतलब रात को लगती है भाई, मतलब इवनिंग टाइम में लगी आती है मार्केट. और उसके अलावा यहाँ पर इंदिरा स्क्वायर मार्केट है जो मेरे पीछे देख सकते हो, और काफ़ी आसपास मार्केट्स हैं भाई यार. आप अगर आपने कभी भी शॉपिंग करनी है तो भाई यही बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, हर एक तरह के कपड़े मिल जाएंगे आपको यहाँ पर. देख सकते हो मेरे पीछे भाई बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, और यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है आपको. अगर आपने कुछ भी लेना है सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आपको, पर्स से लेके भाई फ़ोनों के कवर, कवर से लेके भाई कपड़े भी मिल जाएंगे आपको. और अभी भाई मैं बहुत टाइम के बाद ये वाली मार्केट देख रहा हूँ, क्योंकि जब कोविड टाइम में आया तो भाई यहाँ पर मार्केट लगती थी, बट इतना क्राउड नहीं था, इतने लोग नहीं थे. तो आज भाई लोग इतना देख के खुशी हो रही है कि भाई वापस वो वाला माहौल बन चुका है यहाँ पर. मार्केट के भाई ऑपोजिट ही यहाँ पर एक स्ट्रीट फूड की लगी हुई है, स्टॉल सी लगी हुई है, और यहाँ पर पटथाई मिल रहा है भाई. आपको पता ही है बैंकॉक, अगर आप आए हो थाईलैंड आए हो तो पटथाई नहीं खाई तो भाई आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा. तो मैंने ऑर्डर करवाई है भाई पटथाई. तो ये है भाई चिकन इनके पास और श्रिम्प है. एक्चुअली भाई मैंने इनको बोला था चिकन, बट इन्होंने मुझे दे दिया श्रिम्प. चलो कोई बात नहीं, श्रिम्प भी मैं खा लेता हूँ वैसे. तो भाई करते हैं पड थाई ट्राई इनकी, देखते हैं कैसी है पड थाई. और मेरे पास कैमरे का स्टैंड नहीं है तो भाई खाते हैं और खा के मिलते हैं आपको थोड़े टाइम में. पड थाई भाई ठीक ठाक थी, इतनी भी टेस्टी नहीं थी ये वाली. तो जो खाओसान रोड पर मिलती है भाई वो वाली होती है ज़बरदस्त, बट यहाँ पर मतलब महंगी भी थी थोड़ी सी. और यहाँ पर जो मेरे को प्राइस पड़ा वो 60 बाट पड़ा, वैसे नॉर्मली 40 बाट या 50 बाट की मिल जाती है पड़ता ही आपको नॉर्मली. काफ़ी हैपनिंग प्लेस हुई पड़ी है ये भाई प्रतु नाम जो कि मार्केट है. प्रतु नाम आपको पता ही होगा, अगर आप कभी बैंकॉक आए हो तो आपने अगर शॉपिंग करी तो वो यही एरिया है भाई, यहाँ से ही आप शॉपिंग करके जाते हो. और यहाँ पर आसपास भाई बहुत मार्केट्स हैं, आपको बता नहीं सकता भाई, हर गली में मार्केट है और होलसेल का सामान मिलता है यहाँ पर आपको. Looking like I'm from the D. D's no Cartier.
the next day. तो जी कल इंट्रोड्यूस करवानी पाया, अगले दिन शूट कर रहा हूँ। कल भंड हो गए थे भाई, मतलब कि तो ये है भाई प्रियंका हमारे साथ मुंबई से। कल आवाज भी नहीं आ रही थी, बहुत हाँ। साउंड था सॉन्ग का वहाँ पे बिल्कुल। और साथ में एक और भाई साहब हैं, बट वो कैमरा शाये तो कैमरे में नहीं आते। तो एनीवेज नाइस टू मीट यू प्रियंका जी। और इन्होंने मुझे इनवाइट करा था और इनका बर्थडे था भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और बहुत मजा आया, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी। और मुझे सीरियसली इन्होंने मुझे बोला कि खाउसा नोड आ जाओ, वो बहुत अच्छा है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। तो कैसा लगा आपको थाईलैंड? सीरियसली बहुत, खाउसा नोड तो जबरदस्त है और थाईलैंड तो और भी घूमना है मुझे, मेरा सिर्फ सेकेंड डे है आज का। तो बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है। मुझे तो क्लब जाना था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, पर इन्होंने कहा ना खाफसन रोड के अलावा कोई कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, एक्चुअली क्लब ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर। क्लब्स यहाँ पर है बट मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है क्लबों के बारे में यहाँ पर, क्योंकि क्लब्स में कभी गया ही नहीं। जब बैंकॉक आता हूँ तो यहाँ पर खाफसन रोड ही आता हूँ, तो वही मुझे अच्छा लगा इन्होंने सजेस्ट किया। तो पहले बंदा मतलब आता है तो माहौल ठंडा सा लगता है, बट आप क्लबिंग करते हो तो मोस्टली आपको क्लबिंग का ही मेन शौक है ना, तो यहाँ पर क्या है ओपन लाइफ है। ओपन है, ओपन ही अच्छा है, क्लबिंग में क्या है बंद बंद सब कुछ, मजा नहीं आता है। यहाँ पर ओपन ही होता है और आपको पता ही है जैसे कि फुकेट में पतिया में क्लब्स है, इंडियन क्लब्स भी हैं, आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो अपना। तो एनीवेज बहुत मजा आया इनके साथ, फिर मिलेंगे इनको, अभी मैं जा रहा हूँ वापस। और बहुत बढ़िया लगा इनसे मिलके और होप मिलेंगे बहुत जल्द फिर से, बहुत जल्दी मिलेंगे इंडिया में। तो ठीक है भाई, नेबरहुड ऑन द स्ट्रक्स, नेबरहुड बी द नेम, नेबरहुड नो क्रिप, नेबरहुड दैट्स मी, नेबरहुड दैट्स नेक्स्ट, नेबरहुड डू द डांस, नेबरहुड डू द डिप, ओके थॉट आई नेवर मेक इट लाइक नो वे, आई एम द रियल डियर नो रोल प्ले। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं लेबुआ में और यहाँ पर स्काई बार है, स्काई बार जा रहा हूँ मैं अभी। और ये होटल भी है भाई और स्काई बार भी है, रिजॉर्ट होटल एंड रिजॉर्ट, और ये ऊपर से ऐसा व्यू है। चलते हैं भाई और ऊपर स्काई बार में देखते हैं क्या मॉल है। और मैं पहली बार आया हूँ भाई, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि इसकी कोई एंट्री फीस भी हो सकती है और या नहीं भी हो सकती, देखते हैं। बाकी ऊपर जा के कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ ड्रिंक, कुछ फ्रेश करते हैं भाई। और भाई काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और मैंने अभी एक ड्रिंक ली है यहाँ पर, और ये है भाई वोडका, और वोडका टॉनिक है ये वाली, तो एक ग्लास है भाई। वैसे तो इन्होंने जो मेरे को बिल चार्ज करा है, इनकी कोई भाई एंट्री फ़ी नहीं है, आप आ सकते हो, अगर आपको सही लगे तो आप ड्रिंक ले सकते हो, नहीं तो नहीं। बट मेरे को ये ड्रिंक का चार्ज पड़ा ऑलमोस्ट 1300 baht, तो मतलब कि 1300 baht की ये ड्रिंक पड़ी मुझे। और ये वाली जो जगह है भाई अमीरों की जगह है, हमारे जैसे लोगों की जगह नहीं है भाई। और फिर भी आ गए हैं तो भाई ड्रिंक इंजॉय करते हैं स्लो स्लो और ये व्यू का नज़ारा दिखाते हैं आपको। A few moments later. तो ऊपर से नीचे आ गए हैं और ये भाई बिल्डिंग है लेबुआ की एंट्रेंस है यहाँ से। और ये वाला जो बार है भाई 1 बजे बंद हो गया था, मैंने मतलब वहाँ पर बैठ के अपना रिलैक्स करा, अपने आप को 1-1.5 घंटा दिया। उसके बाद भाई मेरे एक आए हुए थे गेस्ट आए हुए थे इंडिया से, तो उनसे मिला और उसके बाद फिर मतलब थोड़ा इंजॉय करा, चिल करा। तो अभी भाई 2:30 बज चुके हैं, पता ही नहीं चला टाइम का कि भाई 2:30 बज गए। और अभी मैं अपनी टैक्सी बुक करूँगा, जैसे कि मैं आया था बोल्ट करके, तो वैसे ही मैं जाऊँगा बोल्ट करके यहाँ से। और ठीक है भाई, करते हैं बोल्ट बुक और चलते हैं, मेरे को भूख लग गई है।